हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी भारद्वाज और आप हैं आपके अपने ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में। आज हम जो क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लाए हैं उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और इसे रिवाइज करते रहिएगा तो आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, Which of the following is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicate contamination by disease causing microorganism? निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं का वह समूह है जिनके जल में मौजूदगी रोगकारक सूक्ष्मजीवी के द्वारा संदूषण का संकेत देती है? देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का नाम बताना है जिसको हम जो एक टाइप से इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म किस चीज के इंडिकेटर होते हैं ये, कि पानी में फीकल कंटामिनेशन है, मतलब गटर का पानी पीने के पानी के साथ मिक्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हम कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखते हैं। और कोली मतलब हमारा जो कोलोन होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसकी प्रेजेंस देखते हैं हम। ठीक है, तो जबकि ये पैथोजेनिक नहीं होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस से हमें ये पता चल जाता है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, इनकी प्रेजेंस को चेक किया जाता है पीने के पानी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेल्यूलर, मतलब इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? देखो यहां पर ऑप्शन क्या है, अमीबा, स्पायरोगायरा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। अमीबा भी यूनिसेल्यूलर है, प्लाज्मोडियम भी, पैरामीशियम भी, लेकिन स्पायरोगायरा जो होता है वो एक फिलामेंट फॉर्म करता है। उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक के ऊपर एक सेल इस टाइप से लगे होते हैं। ठीक है, एक पूरा फिलामेंट बना होता है इसका, तो ये मल्टी सेल्यूलर हम कह सकते हैं इसको, इट इज़ नॉट यूनिसेल्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज दैट ब्रांच ऑफ बॉटनी विच इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी की ब्रांच दे बतानी है हमें ध्यान से। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है। इकोलॉजी है, एनाटॉमी है, क्रोनोबायोलॉजी है या फिर माइकोलॉजी है। देखो इसमें जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो सब बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, ये बात क्लियर है, लेकिन एक ब्रांच ऐसी है जो कि बॉटनी की भी हो सकती है। बायोलॉजी की तो होती ही है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों बायोलॉजी की भी होती हैं, लेकिन बॉटनी की भी हो सकती है। लेकिन बाकी की जो तीन ब्रांचेज हैं, इकोलॉजी है, क्रोनोबायोलॉजी है, माइकोलॉजी, ये बॉटनी की ब्रांच नहीं हो सकती। ठीक है, ये बायोलॉजी की ब्रांच है। तो आंसर है इसका एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, मतलब शरीर के अंदर के इंटरनल ऑर्गन का हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, कौन से जीव बीजाणु गठन के द्वारा प्रजनन करते हैं? ब्रियोफाइलम, प्लानेरिया, राइजोपस या फिर प्लाज्मोडियम। देखो इसमें से ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये अलग अलग तरीके से, सारे अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें से ये नाम आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। मोल्ड का मतलब होता है फंजाई, कवक। ठीक है, तो फंजाई स्पोर से प्रजनन करते हैं, स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा राइजोपस। आगे चलते हैं, ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोअन, हेलमिंथ्स,
मतलब सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म बता दिए दैट कॉज डिजीज। मेन चीज ये है कि आपको वो ऑर्गेनिज्म बताने हैं जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं इन द ह्यूमंस, उन्हें क्या कहा जाता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिन जैसे जीव जो मनुष्य में रोगों का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं। फ्रूगिवोर्स, प्रीडेटर्स, पैथोजेंस या फिर एंटीजेंस, तो उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, रोगजनक, नाम से हिंदी में तो नाम से पता चल रहा है रोगजनक है ना। द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ बॉडी। लाइपेज कौन सी हमारी बॉडी इन सब में से कहां पर रिलीज होता है। लंग्स में, लंग्स में से तो कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता। सलाइवरी ग्लैंड, इसमें से सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होता है। सलाइवरी एमाइलेज ये एक एंजाइम है। लीवर, लीवर से भी कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होता, सिर्फ बाइल जूस रिलीज होता है। पेनक्रियाज अग्नाशय, इसमें से बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं और लाइपेज उनमें से एक एंजाइम है। क्लियर एवरीवन? तो आंसर है हमारा पैनक्रियाज। द डैश इरा इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मैमल्स। ये देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करने पड़ेंगे ये सारे इरा। डैश युग को स्तनधारियों का युग कहा जाता है। इसका आंसर है सीनोजोइक इरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमैटोट्रॉफिन इज अनदर नेम ऑफ डैश। सोमैटोट्रॉफिन का अन्य नाम क्या है। सोमैटोट्रॉफिन हमारी बॉडी का एक हार्मोन है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में कार्य करता है, काम करता है, तो इसका आंसर है ग्रोथ हार्मोन। एंजाइम्स आर डैश दैट एक्ट एज कैटलिस्ट विद इन द लिविंग सेल। एंजाइम्स क्या होते हैं, जब मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में पढ़ाया था डाइजेशन वाले में, तो मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, इंडिविजुअली भी एंजाइम्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। एंजाइम्स की केमिकल नेचर कैसी होती है। दे आर प्रोटीन इन नेचर। ओके, दे आर प्रोटीन इन नेचर। मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। विच एंजाइम इज फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस responsible for digestion of proteins। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है और अग्नाशय रस में मौजूद होता है। देखो प्रोटीन हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट में डाइजेस्ट होता है, जैसे स्टमक में भी डाइजेस्ट होता है और इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ पर अलग अलग एंजाइम उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हमें स्पेसिफिकली ये बताना है कि पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन सा है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो वो है ट्रिप्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है मगर ये स्टमक में करता है, स्टमक में। आगे से देखते हैं। विच टिश्यू हैज हैविली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स। किस ऊतक में भारी लिग्निफाइड दीवारें होती हैं। तीन टाइप की टिश्यू होती हैं प्लांट्स में, ये प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में ही लिग्निन होता है सेल वॉल में। ठीक है, प्लांट्स में ही सेल वॉल होती है। तो तीन टाइप की टिश्यू होती हैं प्लांट में, एक तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीन टाइप की टिश्यू कौन कौन सी होती हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये जो एक आपको दिखा रखी है एरेन्काइमा, से देख के मत डर जाना, ये पैरेन्काइमा का एक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में से ये जो स्क्लेरेन्काइमा होती है टिश्यू, ये डेड होती है, डेड होती है, और ये दोनों लिविंग होती हैं, लिविंग। ठीक है, ये जीवित सेल की बनी होती है, जीवित कोशिकाओं की बनी होती है, और ये डेड सेल्स की बनी होती है। तो यहाँ पर ये जो डेड सेल है इसी की वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है, इसमें लिग्निन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिग्निन, जिससे कि इसे स्ट्रेंथ मिलती है। जो कोकोनट का
जो बाहर का आवरण होता है, जो बाल बाल से होते हैं, कोकोनट फाइबर जिसे बोलते हैं, वो किसका बना होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो वो बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का, या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स का। तो आंसर हमारा है स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एट्रियल वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट सिक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताना है जो कि हार्ट से रिलीज होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ANF, शॉर्ट में याद कर लीजिए, क्योंकि बड़ा नाम इसका काफ़ी टिपिकल है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ओके, और यूरिन फॉर्मेशन से रिलेटेड है ये। तो ANF याद रखना है आपको, एक हार्मोन है जो एट्रियम से रिलीज होता है, एट्रियम की जो मसल सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इसको। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम पे, डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये नाम तो आप बिल्कुल भूलिएगा ही मत। सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कहाँ होता है? सलाइवा में, हमारी लार के अंदर, सलाइवरी एमाइलेज। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी द मेंबर्स ऑफ फेओफेसी आर कॉमनली कॉल्ड। एल्गी तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारे ग्रीन एल्गी, एक होते हैं ब्राउन एल्गी, और एक होते हैं रेड एल्गी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो जो रेड एल्गी होते हैं उन्हें बोलते हैं रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी को बोलते हैं क्लोरोफाइसी, और ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फेओफाइसी। और ये जो ब्राउन एल्गी होते हैं इनमें एक अलग टाइप का पिगमेंट होता है, ज़ैंथोफिल, ठीक है? तो ज़ैंथोफिल या फिर फ्यूकोज़ैंथिन, मेनली फ्यूकोज़ैंथिन होता है, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर के होते हैं। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हो कि फेओफाइसी किन, क्या फेओफाइसी को हम क्या कहते हैं कॉमनली, तो उसको हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। दिस इज एन मतलब बहुत ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट घटना है वैक्सीन के फील्ड में, इम्यूनाइजेशन के फील्ड में। तो ये जो वैक्सीन बनी थी स्मॉल पॉक्स की, जिसने स्मॉल पॉक्स को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया, वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी हमारे एडवर्ड जेनर ने, ठीक है? Who among the following discovered circulation of blood? ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण जो होता है रक्त का, वो उसकी खोज किस साइंटिस्ट ने करी थी? उसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने। देखो मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल है आज की स्लाइड में, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, ठीक है? आपको ऐसे ही एग्जैक्टली याद करना है इसको। पेनिसिलिन वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खोज है मेडिसिन के फील्ड में, क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स नहीं आए थे उससे पहले बहुत से लोग बैक्टीरियल बीमारियों से मर जाते थे, ठीक है? तो सबसे पहले जो जो एंटीबायोटिक आई थी वो पहले पेनिसिलिन ही थी, और इसकी खोज करी थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। Which of the following scientists is related to the discovery of crescograph? Crescograph की खोज किसने, किस साइंटिस्ट ने करी थी? इंडियन साइंटिस्ट थे वो, जगदीश चंद्र बोस। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन है, ठीक है? JCB। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, देखो बच्चों ही बता देती हूँ मैं। क्रेस्कोग्राफ एक डिवाइस होती है जिससे प्लांट की ग्रोथ को मेजर किया जाता है, ठीक है? तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है।
हु इज द नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है सुश्रुत, सुश्रुत को बोला जाता है, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोला जाता है या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। There is no vaccine for which of the following hepatitis virus? कौन से hepatitis virus के लिए कोई भी vaccine नहीं बनी है अभी तक? तो वो है सबसे mild वाली जो होती है वो होती है hepatitis C। ठीक है, ये जो hepatitis C होती है blood contact से या body fluid के contact से spread होती है। इसका जो symptoms होते हैं बहुत ही mild होते हैं, इसलिए इसकी कोई vaccine भी नहीं बनी है। Whose invention led to the development of polio vaccine? Polio vaccine किसने discover करी थी? सबसे पहले injectable polio vaccine discover हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो vaccine discover हुई थी वो Salk ने discover करी थी, John Salk। ठीक है, Salk से याद रखते हैं, मैंने आपको diseases वाले में भी इसका नाम बताया था। तो ये थी injectable, ये थी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, जो ओरल दो बूंद जिंदगी की जो आजकल दी जाती है, वो है सैबिन वैक्सीन। ठीक है, सैबिन ने डिस्कवर करी थी वो। क्रिश्चियन बर्नार्ड इज फेमस फॉर, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ओके, एक ब्रेन डेड महिला थी जिनका हार्ट इन्होंने ट्रांसप्लांट किया था। हु इज रेफर्ड टू एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, किसको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है? वो है अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर। डार्विन किस लिए प्रसिद्ध हैं? अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं पहले, डार्विन जो है इन्होंने इवोल्यूशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा डिस्कवरी करी थी। ठीक है, बहुत नेचुरल सेलेक्शन इस टाइप के प्रिंसिपल्स बताए थे। ठीक है, तो इवोल्यूशन की फील्ड में इन्होंने डिस्कवरी करी थी, तो 20th सेंचुरी में अर्नेस्ट मेयर ने करा था, इसलिए उन्हें डार्विन बोला जाता है 20th सेंचुरी का। दैट डैश इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। जितने भी स्टडी हैं बायोलॉजी की, उसकी मेरी अलग से एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें सारे टाइप्स की बायोलॉजी के बारे में दे रखा है। ठीक है, सारे टाइप्स की साइंस के बारे में दे रखा है। ओके, तो एम्फीबियंस की स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल जस्ट इनसाइड द बार्क ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड, ट्री के अंदर जो ट्री की छाल होती है उसके जस्ट पास में ही एक लिविंग सेल की एक पतली सी लेयर होती है, क्योंकि बार्क तो डेड सेल होते हैं। ठीक है, जो छाल होती है वो क्या होती है? डेड सेल होते हैं। तो उसके अंदर एक पतली सी लेयर होती है लिविंग सेल की, उसको बोलते हैं कैम्बियम। ठीक है, ये एक्टिवली ग्रोइंग सेल होते हैं, मेरिस्टमैटिक सेल होते हैं। डैश इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट लाइक मॉसेस दैट ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट। एंशियंट प्लांट, मॉसेस को यहाँ एंशियंट प्लांट कहा गया है, मॉसेस मतलब ब्रियोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रियोफाइट्स की स्टडी को बोलते हैं ब्रायोलॉजी। डैश इज द स्टडी ऑफ वायरसेस, वेरी इजी क्वेश्चन, वायरसेस के नाम से आप बता दोगे। ऑप्शन देखिए, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। सिंपल है ना, वायरस किसमें है? इसमें है वायरोलॉजी।
Which of these words refer to the scientific study of domestic dogs? Domestic dogs की study को बोला जाता है cynology. घरेलू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन cynology. Chiropody is the branch of science related to which part of the body? Body word जो आता है वो generally feet से related आता है, तो यहाँ पर इसकी study को बोला जाता है, feet की study को बोला जाता है chiropody. In 1930, which scientist was awarded Nobel Prize for ABO blood grouping? ABO blood grouping किसने दी थी? Carl Landsteiner ने. इसके लिए ABO blood grouping अगर आपको जानी, इससे भी बहुत सारे questions आते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए आप उसकी video देख सकते हैं आप blood group की. Pedology is the science of पेडोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? स्किन का, ग्राउंड वाटर का, सॉइल का, या फिर चाइल्डहुड इलनेस. बट ये जो वर्ड है बहुत कंफ्यूजिंग है. एक इससे रिलेटेड वर्ड होता है पेडोलॉजी. बहुत ही मिलता जुलता नाम है ना, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है. पीडोलॉजी बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड होता है, चिल्ड्रंस बिहेवियर, चिल्ड्रन इलनेसेस. सॉरी. और ये वर्ड जो है पेडोलॉजी, ये सॉइल से रिलेटेड करेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है इसमें. तो इसका ऑप्शन है सॉइल. What is the definition for term hibernation? Hibernation से आप क्या समझते हैं? Hibernation में क्या होता है? आपने सुना होगा कि कुछ जो cold blooded animals होते हैं वो hibernate करते हैं या फिर estivate करते हैं. Winter sleep को हम बोलते हैं hibernation और summer sleep को बोलते हैं estivation. तो hibernation का क्या मतलब है, क्यों वो ऐसा करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अ स्टेट ऑफ हाइपर एक्टिविटी. हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गई, ठीक है, इन स्प्रिंग टाइम अमंग द बर्ड. गलत, राइट. सो रहे हैं तो फिर हाइपर एक्टिविटी कैसे होगी? बिल्डिंग ऑफ हैबिटेट बाय बर्ड टू सेव देमसेल्फ ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये भी गलत. अ स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है, रिड्यूस्ड कम हो रही है. क्या चीज़ कम हो रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी. जो भी कोशिकाओं के अंदर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं, वो कम हो रहे हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन अमंग सम एनिमल्स. अब यहाँ पे विंटर वर्ड भी आ गया और रिड्यूस्ड भी आ गया, मतलब ये है विंटर स्लीप के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे. तो ये ही करेक्ट आंसर है. कुछ पशुओं में शीत ऋतु के दौरान कम चयापचयी गतिविधियों की अवस्था. अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कार्निवोरस? कार्निवोरस का मतलब क्या है कि वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट एनिमल्स को खाते हैं, मेनली इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है. तो कार्निवोरस से ज्यादा प्रिसाइज वर्ड होता है इंसेक्टिवोरस. ठीक है, इंसेक्टिवोरस पूछें आपसे या कार्निवोरस पूछें, तो आंसर क्या होगा आपका? वीनस फ्लाई ट्रैप. तो यहां पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर है वीनस फ्लाई ट्रैप. इसके अलावा एक पिचर प्लांट भी होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल अपीयरेंस होती है इन प्लांट्स की, आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा. तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी ब्यूटीफुल अपीयरेंस इसलिए होती है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं प्रोटीन के लिए, नाइट्रोजन सप्लीमेंट की तरह. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? सबसे छोटी बर्ड पक्षी कौन सा है?
दुनिया में, तो वो है बी हमिंग बर्ड। इसमें से है बी हमिंग बर्ड। द डैश इज स्टेम लाइक पार्ट ऑफ लीफ दैट जॉइंस ब्लेड टू द स्टेम। ब्लेड किस चीज का? लीफ ब्लेड, ठीक है। डैश पत्ती के तने जैसा भाग होता है जो पत्ती को तने से जोड़ता है, ठीक है। लीफ का जो लैमिना होता है, लीफ ब्लेड जो होता है, उसको तने से जो डंडी जोड़ती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेटियोल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल जो वर्ड है वो लैंड से रिलेटेड है, जितने भी लैंड से कनेक्टेड हैबिटेट होते हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पर लैंड से रिलेटेड है ग्रासलैंड, ठीक है। अ बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी। बायोकेमिकल कंपाउंड मतलब जो किसी कोशिका में मिलते हैं उन कंपाउंड को हम कैसे पहचानते हैं। तो क्या होते हैं वो? क्या वो मिनरल बेस्ड कंपाउंड होते हैं फाउंड इन लिविंग थिंग? क्या वो सल्फर बेस्ड कंपाउंड होते हैं फाउंड इन लिविंग थिंग? कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग, या फिर हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग? तो मेन कंपोनेंट जो होता है इन कंपाउंड में वो होता है कार्बन। तो दे आर कार्बन बेस्ड कंपाउंड इन लिविंग थिंग। द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट और एनिमल दोनों को मिला करके क्या हम बोलते हैं उन्हें? बफर्स बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं, या बैरेज बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बायोमास। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इकोलॉजी में हम जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, ठीक है, यहाँ पे हमें ये कंसिडर नहीं है कि जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो जिंदा हैं या मरे हुए हैं, ठीक है। लिविंग या डेड, नॉन लिविंग नहीं कह सकते हम, लिविंग या डेड कहना ज़्यादा बेहतर है। तो लिविंग और डेड प्लांट और एनिमल्स दोनों का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं बायोमास। हिकअप्स इन द ह्यूमंस जनरली अकर ड्यू टू द फोर्सफुल डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ। हिकअप्स का मतलब है हिचकी आना, ठीक है। तो हिचकी जो आती हैं वो क्यों आती हैं, क्या होता है हमारी बॉडी में जो हिचकी आती हैं? हमारी बॉडी में जो लंग्स होती हैं उसमें नीचे एक ऐसी शीट टाइप की लगी होती है, उनके नीचे, उस शीट को बोलते हैं हम डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, ये रहा डायफ्राम। तो डायफ्राम बार बार नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, उसकी वजह से हमें हिचकी आती है, ओके। तो ये क्या होता है कि जो फोर्सफुल डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है किसकी होती है? डायफ्राम की, उसकी वजह से हिचकी आती है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रेट पैराडिग्म्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जीव विज्ञान का एक महान प्रतिमान नहीं है इसमें से क्या चीज है? पहला है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बायोलॉजी का ही है ये। दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है ये? फिजिक्स में हम देखते हैं लॉ ऑफ बायोएंसी। जब भी कोई चीज किसी भी फ्लूइड में हम डालते हैं तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं उस फोर्स को बोलते हैं बायोएंट फोर्स, ठीक है। तो उसके लिए एक लॉ दिया था आर्किमिडीज ने जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला जाता है। तो ये बायो का नहीं है, ये फिजिक्स का है।
बाकी सारे बायोलॉजी के हैं, डार्विन्स थ्योरी इवोल्यूशन से रिलेटेड है और बायोकेमिस्ट्री में तो बायो लगा ही हुआ है, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डैश इन बॉडी कॉज गाउट, हमारी बॉडी में क्या चीज एक्सेस अमाउंट में हो जाती है जिससे गाउट नामक रोग हो जाता है, तो वो होता है यूरिक एसिड, ठीक है। ये केमिकल कंपाउंड है यूरिक एसिड जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ही बनता है, तो प्रोटीन की जो चीज़ें होती हैं उनका जब मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है तो यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी में जगह जगह जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से गाउट हो जाता है। हमारी जो किडनी होती है उसमें स्टोन्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, उस कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सेलेट। ये क्वेश्चन भी आता है ऑक्सेलेट कि किडनी स्टोन्स जो होती हैं वो किस चीज की बनी होती है। तो किडनी स्टोन्स बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सेलेट की। गाउट में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बने होते हैं यूरिक एसिड के, और जो हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर पित्ताशय के अंदर स्टोन हो जाती है वो बनी होती है कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग याद रखना है आपको। इन ह्यूमंस ईच सेल नॉर्मली कंटेन डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको सबको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कितने जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, 23 जोड़े होते हैं यानी कि 46 क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूकोसा सब म्यूकोसा मस्कुलरिस एंड एडवेंटिशिया आर फोर लेयर्स ऑफ डैश वॉल, हमारी बॉडी के अंदर ये चार लेयर कहाँ पर होती हैं, चार परतें कौन सी जगह में होती है। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, हमारा जो स्टमक होता है, हमारी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इन चारों लेयर से बनी होती है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या इसकी जगह एलिमेंट्री कैनाल भी लिख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? Which of the following pair represent a parasitic relationship? Parasitic relationship मतलब परजीवी संबंध, इनमें से किस में होता है, एल्गी का कॉरल रीफ के साथ, वो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, टिक्स ऑन द डॉग कुत्ते के ऊपर किलनी हो जाती है, ठीक है, जो कि उसका खून चूसती है तो वो कुत्ते को नुकसान पहुंचाती है ना, उसका ब्लड सक कर रही है, तो ये है पैरासिटिक रिलेशनशिप। बाकी इन सब में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, पैरासिटिक रिलेशनशिप में जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम रिजल्ट इन अ फीमेल, फीमेल के अंदर कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, एक्स एक्स। Which micronutrient is supplied by soil to plant? Plant के लिए भी micronutrient और macronutrient चाहिए होते हैं, तो इसमें से ये जो भी न्यूट्रिएंट दे रखे हैं आपको, फॉस्फोरस दे रखा है, कैल्शियम, जिंक और नाइट्रोजन, जो ये न्यूट्रिएंट दे रखे हैं ये दो टाइप के हैं, एक तो macronutrient और micronutrient। हमसे पूछा गया है micronutrient कौन सा है इन सब में से, micronutrient है जिंक, बाकी सारे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फंजाई, इसमें से कौन सा कवक नहीं है, एगैरिकस, पेनिसिलियम, गोनिलेक्स या एस्परजिलिस। देखो एगैरिकस के बारे में आपको बता दूं, ये मशरूम होता है। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन की खोज हुई थी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गोनिलेक्स एक फंजाई नहीं है, ये रेड टाइड कॉज करता है, ठीक है, रेड टाइड।
ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि रेड टाइड किसकी वजह से होती है, गॉनिल एग्स की वजह से होती है, जो कि एक डाइनोफ्लैजेलेट है। ठीक है, इट इज अ डाइनोफ्लैजेलेट, तो ये कवक नहीं है, फंजाई नहीं है, इट इज अ डाइनोफ्लैजेलेट और बाकी सारे फंजाई हैं। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म से हम सिल्क बनाते हैं, तो वो है मॉथ, ठीक है, कीट, टाइप पूछा है, ठीक है, एग्जैक्टली नाम नहीं दे रखा उस ऑर्गेनिज्म को, उसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। कॉमनली बोलते हैं और साइंटिफिक नेम होता है बॉम्बिक्स मोरी। और इसकी कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कल्टीवेशन को बोला जाता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि सिल्क वॉर्म को जो कल्टीवेट करते हैं हम, रियर करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, या फिर सिल्क के उत्पादन को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम सेरीकल्चर। द माउथ ऑफ मोलस्का कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग विच इज कॉल्ड, ये मोलस्का जो फाइलम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ये चीज, इसको बोलते हैं रेडुला। ये जो रेडुला होता है ना, ये इसको खाना खाने में मदद करता है, जो जैसे स्नेल्स वगैरह होती है, मोलस्का में क्या होते हैं, मेनली स्नेल्स होते हैं, ठीक है, मोलस्का लिख देती हूँ यहाँ पे, स्नेल्स होते हैं, तो स्नेल्स का जो एक माउथ पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडुला, इट हेल्प इन स्क्रेपिंग द फूड, ठीक है, फूड को खुरच खुरच करके वो अपने मुंह में डालते हैं रेडुला की मदद से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका आंसर है राइजोपस। सारे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए आज के, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपको, तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए अच्छे से, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी लाइव क्लास होगी उसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।